इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे आपके बीएड सेकेंड ईयर का एक पेपर है मेथड्स ऑफ टीचिंग में, जो आपका एक फिजिकल साइंस। इस पेपर के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और ये ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बिल्कुल एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो एग्जाम से पहले इन सारे क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करके जरूर जाएं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि ये क्वेश्चंस जो है आपके किसके लिए इंपॉर्टेंट है, फोर मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फोर मार्क्स के लिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जैसे पहला क्वेश्चन हो गया नेचर एंड थ्रस्ट एरियाज ऑफ फिजिकल साइंस, मीन्स पदार्थ विज्ञान की प्रकृति एवं उत्क्रमित क्षेत्र। दूसरा क्वेश्चन है फोर मार्क्स के लिए डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग इन फिजिकल साइंस, मीन्स पदार्थ जीवन में नैदानिक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण। तीसरा है एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी है जो फोर मार्क्स के लिए है, सजेशन फॉर द इफेक्टिव यूज ऑफ डिफरेंट टीचिंग एड्स इन फिजिकल साइंस, मतलब हम फिजिकल साइंस में कौन सी टीचिंग को मतलब इफेक्टिव बनाने के लिए कौन कौन से सजेशंस लेते हैं उनके बारे में आपको बताना है। यहाँ हिंदी में भी दिया हुआ है, पदार्थ विज्ञान शिक्षण में विभिन्न शिक्षण सहायक सामग्रियों के प्रश्नवाली उपयोग हेतु सुझाव। नेक्स्ट हम देखेंगे वैसे क्वेश्चन जो हैं आपके 20 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स में भी देखने को मिल सकते हैं, 4 मार्क्स में भी, ठीक है, और 20 मार्क्स में ही तो दिख ही सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, अगर 20 मार्क्स की हम बात करें, वॉट क्वालिटीज शुड बी अ टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिकल साइंस कंटेन, क्रिटिकली इवेल्युएट द टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिकल साइंस टॉट एट हायर सेकेंडरी लेवल इन प्रेजेंट गोवर कॉन्सेप्ट, मीन्स पदार्थ विज्ञान के पाठ्य पुस्तक में क्या क्या गुण होने चाहिए, वर्तमान वैश्विक संदर्भ में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर जो पढ़ाई जाने वाले जो पदार्थ जीवन की पाठ्य पुस्तकों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखें, अगर हम 20 मार्क्स के लिए, वॉट आर द वेरियस मैथड्स ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस को पढ़ने के लिए हमें कौन कौन से मेथड्स हैं वो बताने हैं, और उसमें से कोई हमें डिस्क्राइब वन एनी वन मेथड ऑफ टीचिंग, किसी एक मेथड ऑफ टीचिंग को डिस्क्राइब करना है और उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को बताना है। पदार्थ विज्ञान शिक्षण की प्रमुख प्रविधियाँ विधियाँ कौन कौन सी हैं, और पदार्थ विज्ञान शिक्षण की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए और उसके मेरिट्स मीन्स गुण और दोषों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर हम 20 मार्क्स के लिए, तो व्हाट इज मीन्ड बाय कंटेंट एनालिसिस का मतलब क्या होता है और कैसे ये हेल्पफुल होता है फिजिकल साइंस टीचिंग में, हमें एग्जांपल के साथ इसे बताना है। विषय वस्तु विश्लेषण से क्या तात्पर्य है, पदार्थ विज्ञान विश्लेषण में ये किस प्रकार सहायक है, एग्जाम्पल्स के द्वारा उदाहरणों द्वारा इसको स्पष्ट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि 20 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हाउ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्लासिफाइड, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव को बताना है टीचिंग फिजिकल साइंस एट द हाई स्कूल लेवल, मीन्स अगर हम शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, अगर हम हाई स्कूल स्तर एवं पदार्थ विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों की क्या करिए विवेचना कीजिए। नेक्स्ट अब हम सेक्शन बी को देखेंगे जो कि आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला देखते हैं कि व्हाट क्वालिटीज आर नीडेड इन अ टीचर्स टू बिकम अ गुड टीचर इन फिजिकल साइंस, वो एक अच्छे पदार्थ विज्ञान शिक्षक बनने के लिए शिक्षक में कौन कौन सी विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स होने चाहिए। दूसरा है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस म्यूजियम एंड एक्सक्यूर्जन्स, मीन्स विज्ञान संग्रहालय एवं भ्रमण के महत्व की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि 10 मार्क्स के लिए है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट, मतलब एक उत्तम परीक्षण की क्या विशेषता होती है। दूसरा है व्हाट सजेशन, व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ प्रेजेंट क्यूरिकुलम इन फिजिकल साइंस, अगर हम प्रेजेंट क्यूरिकुलम की बात पूछा है यहाँ पर, क्या डीमेरिट्स है फिजिकल साइंस की और उसको सही करने के लिए कौन कौन से सजेशंस हमें चाहिए। मीन्स अगर हिंदी में बात करें तो पदार्थ विज्ञान के वर्तमान पाठ्यक्रम की क्या दोष हैं, इनमें सुधार करने के सुझाव दीजिए। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय इंटरिंग एंड टर्मिनल बिहेवियर, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, मींस प्रविष्ट एवं अनंत व्यवहार से क्या तात्पर्य है, इसको हमें उदाहरण सहित द्वारा वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल टीचिंग और माइक्रो टीचिंग, में क्या डिफरेंस है, काफी इंपॉर्टेंट है कि पारंपरिक शिक्षण एवं सूक्ष्म शिक्षण में क्या अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक्सप्लेन इन ब्रीफ हर्बियन अप्रोचेस ऑफ डेवलपिंग लेसन प्लान, मीन्स पाठ योजना विकास में हर्बर्ट उपागम का क्या संक्षिप्त वर्णन करना है। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रिपेयर 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड वेरियस ऑन एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस इन फिजिकल साइंस, मतलब अपनी पसंद के पदार्थ विज्ञान के किसी प्रकरण पर 10 विभिन्न प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार कीजिए। तो
ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और यही क्वेश्चन आपको बिल्कुल एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो एग्जाम से पहले इन सारे क्वेश्चंस को आप जरूर देखकर जाएं। ये जो आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 मार्क्स में ही, 20 मार्क्स में पूछ सकते हैं, 4 मार्क्स में ही, ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चन आप जरूर देख कर जाएं। ओके, थैंक यू।